सेब केला नाशपाती जितने पीस आम रूटीन के जो फ्रूट्स है अगर हम सिर्फ वही इनकॉर्पोरेट करते रहे अपनी बॉडी में और डेली का मैं कहती हूँ एक फ्रूट भी आप खाते रहे तो भी आप सारे ही एक ही रोल। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब गोनल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, वो जैसे ही सिट्रस फ्रूट खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वो शायद ओके, लेकिन अगर हम सिर्फ फ्रूट की बात करते हैं, हम वेजिटेबल्स की बात ही नहीं करते, अगर आप डेली बेसिस पे एक कप वेजिटेबल्स ले लो जिसके अंदर खीरा प्याज टमाटर, जब आप बहुत सारे वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हो ना अपनी स्किन में डालने के लिए तो स्किन खुद ही से ही ग्लो करना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल अक्सर ये होता है कि स्किन के ऊपर कोई एक्नी होती है उसके मार्क्स रह जाते हैं स्किन के ऊपर छाइयां और वो धब्बे से और वो स्किन जो है वो अनइवन होती है तो बहुत मुश्किल होता है बहुत सारी खवातीन को इवन मर्द हजरात को भी तो वो बहुत बुरी लगती है उसका की स्किन अनइवन सी, तो उसके लिए क्या कोई इंटरनल इस तरह की फूड्स हैं जो आप ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रोसीजर है जो आप रेकमेंड करती हैं कि चलें ये नहीं तो आप ये करवा लें आपकी स्किन इवन हो जाएगी? अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी होती है और एक्नी प्रोन स्किन है तो प्रॉब्ली आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, आपकी बॉडी जो है वो क्लेंज नहीं हो पाती इस वजह से वो प्रॉब्लम होती है। सो हाउ डू यू डू? आप बॉडी को क्लेंज करने का सबसे आसान और सबसे मुश्किल तरीका जो है ये है करेले का जूस पिया जाए। अच्छा, लेकिन अगर आप उसको ग्रेटर पे ग्रेट करें और उसको आप जो है अपने मसलन क्लॉथ से जो है वो निचोड़ लें तो उसका बहुत थोड़ा सा आता है, आप उसको पानी डाल के जो है न्यूट्रलाइज थोड़ा सा कर लें एग्जैक्टली और आप उसको पी लें डेली बेसिस पे, मैं कहती हूँ सिर्फ एक हफ्ता भी अगर आपने कर लिया है ना वेट लॉस तो होगा ही होगा, उसके साथ आपकी स्किन पे जो एक्नी है आप उसमें ट्रिमेंडस रिजल्ट्स जबरदस्त। तो कितना उसमें स्पून्स डालने हैं जूस के करेले के? जूस अगर आप एक करेले का जो नॉर्मल साइज का करेला है वो निकाल लें, मसलन एक चम्मच आपका निकलता है आपका उस करेले से आप उसको मसल करते हो मसलन क्लॉथ से आप उसको निकाल लेते हो जूस आपका समझ लें 2-3 ml भी बन जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। हम लोग बाद में पानी ऐड करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसको टेस्ट तरह करना चाहते हैं इवन आप उसमें शहद भी डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा शहद डालें ताकि लेमन डालें उसका टेस्ट जो जरा इनहेंसमेंट। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, तो ये जो हम डिटॉक्स वाटर डेली बेसिस पे पी रहे होते हैं तो क्या उससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती है? डिटॉक्स वाटर से डिटॉक्सिफाई होती है लेकिन आप ये देखें कितने परसेंट लोग हैं जो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसको बनाने का तरीका भी बहुत सारे लोगों का जो होता है वो गलत होता है। अच्छा करेले का जूस अगर आप नहीं पी सकते तो खीरे का जूस पिया था फॉर डिटॉक्सिफाइंग। अच्छा, खीरे का जूस भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है क्योंकि एक तो वो ठंडा भी होता है, दूसरा आपकी स्किन को जो है वो अंदर से ग्लो करता है, दूसरा जो आप कहते हैं डिस्कलरेशन आ जाती है स्किन पे उसमें बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होता है। डॉक्टर ज़ैनब, हम चूंकि आज क्लियर स्किन के बारे में बात करें, हेल्दी स्किन के बारे में, तो मर्द हज़रात के साथ एक ही होता है स्पेशली जो क्लीन शेप रहते हैं ज्यादातर क्योंकि डेली बेसिस पे आपने शेव करनी है तो उसके बाद ये होता है सर रैशेस बन जाते हैं, छोटे छोटे रेड स्पॉट टाइप बन जाते हैं, तो लाइक उनको भी कोई है इस टाइप का तरीका कोई ऑर्गेनिक वे जिससे आप उसका एक रीजन स्पेसिफिकली ये होता है कि जब डेली बेसिस पे शेव हो रही होती है या हेयर रिमूव हो रहे होते हैं तो आपकी स्किन जो होती है वो उस पर रिएक्शन देती है और अक्सर जो बाल होते हैं वो इनग्रोन हेयर या स्ट्रॉबेरी लेग्स इवन लड़कियों में या बाजू जो बहुत ब्लैक होते हैं आप उसको पहले स्क्रब करें, लेकिन स्क्रब जो है वो बहुत ज्यादा हार्श ना करें, किसी भी किस्म का आप जो है वो अच्छा सा स्क्रब मार्केट से ले लें उसको थोड़ा सा लेके जेंटल स्किन पे इतना जेंटल रहे जितना आप अपने फोन के साथ जेंटल होते हैं। बिल्कुल नए फोन के साथ एग्जैक्टली जैसे नया नया आपने फोन लिया और आप उसको बड़े प्यार से डील कर रहे होते हैं कहते हैं उसी तरह प्यार से ठीक हो गया। अच्छा मार्केट में बहुत सारे डिटॉक्स जूसेस अवेलेबल हैं जिसमें हम देखते हैं कि चुकंदर का जूस उसमें होता है कैरेट का होता है, तो क्या वो इफेक्टिव है और क्या अगर हम घर पे वही जूसेस तैयार करें तो दूधे डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी? अच्छा मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जो चीज आपने अपने हाथ से फॉर एग्जाम्पल बात कर जी है तो चुकंदर का ऑलमोस्ट 5-7 मिनट के बाद निकलने के असर खत्म हो जाता है। अच्छा, within 5-7 minutes exactly. अगर आपने उसको कंज्यूम करना है तो जैसे ही आप उसने उसको जूसर से निकाला है फौरन कंज्यूम करें और उससे ज्यादा जो शुगर इनटेक होता है हमारा वो हमारी स्किन पे एक्नी का समझ लें 99.9% कॉज होता है। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी में अपनी डाइट में सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर लें तो बहुत हद तक हम अपनी स्किन को वैसे ही क्लियर कर ऑयल
भी क्या हमारी स्किन के लिए ठीक नहीं है जो हम एक्सेस ऑयल की ऑयली फूड्स की बात कर सकते हैं। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी है फैसल कयानी, नहीं करते हो तो भी आपकी स्किन जो है वो बर्न होने के चांसेस होते हैं जब आप धूप में। ठीक है नंबर थ्री, आपने कोई ऐसी क्रीम्स या कोई ऐसे सीरम्स और वो चीजें यूज की हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत पतली हो चुकी है okay. और आप वो बर्दाश्त नहीं करती जी। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो विटामिन ए अगर आप लगाते हैं स्किन पे तो वो बहुत हद तक हेल्प करता है, उसको थिक करता है। ठीक है तो, अच्छा डॉक्टर साहब मेरा डॉक्टर साहब से आज सारे स्किन केयर मैं अपना मेरे पास ना सवाल पूछ रहा था। अच्छा मेरी स्किन पे ना बहुत बारीक सी जैसा ब्लड वेन्स नहीं होती वो अक्सर जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो ये या व्हाट इज द रीजन वो क्यों विजिबल होती है ये। अच्छा दो टाइप की हमारी स्किन आती है, इसमें परेशान होने की आज जरूरत नहीं है। स्किन पतली और स्किन थिक जो होती है वो नेचुरली होती है ओके ठीक है। लेकिन हाँ हमारे कुछ ऐसे हालात हम बनाते हैं स्किन के साथ वो मैं बताती हूँ। अच्छा जब आपकी स्किन पतली होती है आपकी वेन्स और ये चीजें बहुत जल्दी नजर आना शुरू हो जाती है, क्लियर विजिबल होती है। अगर आपकी स्किन थिक होती है बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा आर्म्स पे वेन्स, आपकी स्किन क्या है इन्हें चेक कर रही है कि वो कैसी है। मैं जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं या वैसे भी हमें आदत होती है ब्लैक कॉफी अगर आप बहुत एक्सेस में पीते हो, क्योंकि हम लोगों को ये बताया जाता है वजन कम करना है ब्लैक कॉफी पी लो। अब ब्लैक कॉफी कितनी पीनी है वो कोई नहीं बताता। हाँ जी ब्लैक कॉफी के मैंने लोगों को देखा है 10 से 12 कप एक दिन में पीते हुए जो कि सिर्फ पानी और कॉफी है, नथिंग एल्स उसमें कुछ नहीं है। एक तो वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटिंग हो जाती है, ठीक है आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत जो है वो जा रही होती है नीचे के मतलब वो डिहाइड्रेशन सिर्फ हो जा रही है वाटर लॉस हो रहा है बॉडी में से। नंबर टू वो क्या करती है आपकी स्किन की जो इनर लेयर होती है ना उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि थिन कर देती है। तो मेरी वेंस क्यों नजर आ रही है अब ये कंक्लूजन बिना हम शो के बाद अलग से अलग से तुमने साथ एक सेशन चाहिए भाई वन ऑन वन। और एक मेरा सवाल डॉक्टर साहब मरीज है अपने सवाल ही ज्यादा पूछ रहे हैं। मैंने कहा सारे स्किन से रिलेटेड चाहिए और अच्छा ये हमारे भी नहीं कई लोगों के साथ मेजोरिटी के साथ वो ये कि जो हाथ के नाखून है उनके ऊपर वाला जो एरिया होता है स्किन मॉइस्चर भी रखे अगर आपने हाथ को अच्छा मॉइस्चर करके भी रखे तो वो क्यूटिकल्स वाली ये जो जगह है आप कह रहे हैं स्किन और रिमूव होना शुरू हो जाती है ड्राई हो जाती है। हाँ मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। इसमें ये हो सकता है कि जो आप सोप यूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा ड्राइंग हो, ठीक है एक तो ऑलरेडी स्किन ड्राई हो ऊपर से आप जो सोप यूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा ड्राइंग हो। नंबर थ्री अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है तो बजाय आप लोशंस और इन चीजों की तरफ जाने के ऑलिव ऑयल का यूज करें। ऑलिव ऑयल जो होता है वो बहुत हद तक मॉइस्चराइज रखता है, आप उसका बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लें अपने स्पेशल से तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है ऑलिव ऑयल की। क्या पेट्रोलियम जेली वुड आल्सो वर्क? हाँ ऑफ कोर्स वो तो काम करती है। आप मैनी पेडी के बाद फॉरन से पेट्रोलियम जेली लगा लिया करें सफाई के लिए होता है चाहे आप घर पे कर लें। हाँ बहुत कोई फैंसी सैलॉन्स में जाकर करवाना जो है वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सफाई निस्तेमाल बिल्कुल आप उसको सफाई तो वैसे भी रह सकती है। नहीं देखिए अगर आपको लगता है कि आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं ना जाए जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं रख सकते तो उस चीज को जो है आपको वो करना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो 800 रुपए लगा के घर पे मैनी पेडी कर लेते हैं, फिर ऐसे भी लोग हैं 10,000 लगा के सैलॉन फेशियल भी करवा लेते हैं पर्पल खराब होती है। एग्जैक्टली पर्पल कलर क्योंकि वो स्किन खराब हो जाती है उसको आपकी स्किन। अच्छा जिस बंदे ने कभी अपनी स्किन पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया या नहीं लगाता उसकी बेबी स्किन होती है, चाहे मैरिड है अनमैरिड है वो अपने टीन्स में है वो 40s में है वो 50s में आपकी स्किन अगर आपने बहुत ज्यादा नहीं छेड़ी हुई तो वो बेबी स्किन ही है। उस पर डायरेक्टली कुछ भी अप्लाई मत करें। होम रेमेडीज ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। एक होम रेमेडी जो है वो शेयर करती हूँ ये जी कि अगर आपने अपनी ग्लोइंग स्किन करनी है और आपको लगता है कि आपके बहुत ज्यादा रिंकल्स जो है वो पड़ना शुरू हो रहे हैं तो आप चावलों के आटे का इस्तेमाल करें, ठीक है बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बाहर से कोई इंग्रेडिएंट जो है वो आपको लाने की जरूरत नहीं है। चावलों को ले घर पे ग्राइंड करें, सिंपल कोई और चीज नहीं चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है आप उसके अंदर दूध ऐड कर लें थोड़ा सा
अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है आप उसके अंदर रोज वाटर यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, मिक्सचर है, आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंपल उस पर एक थिक सा पेस्ट बना लें, अपने फेस पे लगाएं, 10 से 12 मिनट रखें, उसको वॉश ऑफ कर दें। सिंपल, मैं ये कहती हूँ जितना सिंपल आप रहते हैं, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, दूसरी एक जो प्रॉब्लम लोगों में आती है वो ये है कि वो फेस वॉश ही नहीं करते। बहुत ज्यादा मैंने लोगों में ये मसला देखा है कि अगर आप उनसे बात करें और पूछें तो पता चलता है कि जी शायद 2 दिन गुजर गए हैं, मुंह पे फेस वॉश नहीं लगा, सोप नहीं लगा, साफ नहीं किया गया। देखिए, स्किन के ऑयल्स हैं, अगर वो निकल रहे हैं, आप उनको साफ नहीं कर रहे तो वो आपकी स्किन के लिए डेंजरस हैं। अगर आप अपनी बॉडी में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं डाल रहे तो आप अपनी स्किन को प्रॉपर ना तो ओमेगा 3 दे रहे हो, ना न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, और आप कंप्लेन अगर ये करो मेरे फेशियल वाले ने फेशियल ठीक नहीं किया तो वो फेशियल नहीं, आपका कसूर आपके। अच्छा डॉक्टर साहब, जल्दी से इस बात का भी जवाब दे दीजिए, हमारा रिपोर्ट रिसेप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।